और किसी डांसर को देख लिया है एक फॉर्म करते हुए, तो आपको लगता है कि अच्छा मैंने सब अच्छी चीज़ें देख ली हैं, उसके बाद उस सेम पर्सन को सेम स्टाइल में स्टेज पर लेके आना और उनसे कुछ अलग करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है एज कोरियोग्राफर्स, क्योंकि आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कुछ कुछ नया नया एक्सप्लोर कर लिया, फिर एक लिमिट भी होती है कि मुझे इतना ही आता है, फिर सारा बर्डन कोरियोग्राफर पे आता है कि अभी मैं इसको ऐसा क्या कराऊं कि ये अलग दिखे, कमेंट भी अच्छे मिले इसको, मार्क्स भी अच्छे मिले, जनता भी पसंद करे। तो हमेशा कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट प्रॉप लेके आना, या फिर हमारे शो में जैसे कभी थीम चैलेंज होता है, कभी प्रॉप चैलेंज होता है, फिर शो डाउन होता है, मतलब हम तीनों की लाइफ मेरी, धर्मेश, पुनीत की ऐसी रहती है कि हम बस आइडिया सोचते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आइडिया बोलती हूँ कि मेरे कंटेस्टेंट का ये करना है, तो उधर धर्मेश लॉक कर चुका है, ये गाना पुनीत लॉक कर चुका है। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं जो लोगों को पता नहीं है कि बिहाइंड स्टोरी क्या 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 चलता है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक था कि कौन सा गाना था विच पुनीत साइक, अरे ये गाना मुझे करना था, मैंने पहले ही लॉक कर लिया था। तो ये सब हमारा चलता रहता है। एंड एज क्रिएटर्स ऑफ डांस प्लस, एज कोरियोग्राफर्स, हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फॉर्मेट है अलग अलग शो के, जहाँ पे आप हर हफ्ते ना स्टाइल चेंज कर देते हो, कभी टैंगो, सालसा, भरतनाट्यम कर दिया, हिप हॉप कर दिया, तो आपको अलग फ्लेवर दिख रहा है। जैसे हमें ये बताया था ना कि डांस प्लस ये है, हमें लगा कि ये तो पता चलेगा नहीं है शो, हमें ऐसा लगा कि लोग तो बोर हो जाएंगे, बट थैंक्स टू ऑल दी ऑडियंस, इन्होंने ये आइडिया अप्रिशिएट किया एंड टू ऑल्सो फुलफिल दिस, क्योंकि सीजन वन देख लिया, टू देख लिया, थ्री, अभी लोगों को लगेगा बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग अप्रिशिएट करते रहते हो और इतना सपोर्ट करते हो कि ये शो अभी भी चल रहा है।